क्या फतेह को पता चली तेजू के बारे में कुछ बात, तभी तो देख लीजिए यहाँ पर फतेह दौड़ता आया नजर। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट और ये रही उड़ारिया की एक और लेटेस्ट अपडेट, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ BTS फोटोज सामने आई हैं, जिसे देखकर एक बार फिर से फैंस ये जानना चाहते हैं कि अब आगे उड़ारिया में क्या होने वाला है। तो भाई आपको बता दें कि अब जो है कहानी मोगा की तरफ लौट चुकी है, लंदन का ट्रैक खत्म हो चुका है और अब तेजो, फतेह, जैस्मिन ये सब लंदन पहुँच चुके हैं और अमरीक का ट्रैक अभी फिलहाल खत्म हो चुका है। अभी आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो अमरीक की डेथ पूरी तरीके से दिखाई गई है, अंतिम संस्कार वगैरह भी दिखाया गया है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अमरीक की अस्थियाँ भी पहुँच चुकी हैं। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है वो है तेजो यानी कि तान्या की विर्क फैमिली में एंट्री। तान्या की विर्क फैमिली में एंट्री होते ही सबके होश उड़ने वाले हैं, ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन यहाँ पर फतेह की ये जो फोटो है उसे देखकर फैंस के होश उड़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जिसके बारे में फतेह को नॉलेज है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि उसने तेजो के लिए जान लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं से उसे ऐसा लग रहा है कि ये तान्या नहीं बल्कि तेजो ही है। भाई यहाँ पर फतेह जो है वो दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ BTS फोटो सामने आई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाले वाले से होता हुआ दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तान्या घर में आई है और फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हुई है और फिर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में बातें आई हैं कि ये तेजो ही है। फिलहाल आपको बता दें कि फतेह जो है वो आप सब देख ही रहे थे कि किस तरीके से लगातार तान्या के पास जाता था और उसे लगता था कि वो उसकी तेजो है, लेकिन फाइनली उसे पता चल गया कि वो उसकी तेजो नहीं बल्कि तान्या है, क्योंकि तान्या ने खुद ये बात कह दी थी कि वो पंजाब पुलिस से है और वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हुई है, वो तेजो संधू के कातिलों को ढूंढने के लिए आई हुई है और इसी वजह से यहाँ पर वो रुकी हुई थी और अब वो भी लौटेगी मोगा। तो भाई आपको बता दें कि तान्या गिल जो है वो मोगा लौट चुकी है और आप देख सकते हैं तान्या गिल यानी कि तेजो, जो कि अभी माना जा रहा है फिलहाल ये तेजो है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तेजो जो है वो सूट में ही नज़र आ रही है, ये देख लीजिए किस तरीके से तान्या जो है वो तैयार हो रही है, बिल्कुल तेजो वाले अवतार में नज़र आ रही है। और आपको बता दें कि तेजो का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा बदला मोगा में भी नज़र आने वाला है, यानी कि जैसे पहले आपको तेजो नज़र आती थी वैसे अब आपको नहीं नज़र आने वाली, अभी फिलहाल ऐसे दिखने वाली है। इन सब के अलावा ये भी फोटो देख लीजिए जहाँ पर सभी के हैप्पी फेसेस दिख रहे हैं और यहाँ पर भी तेजो नज़र आ रही है, और लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होने वाला है क्योंकि फतेह और जैस्मिन अमरीक की अस्थियाँ लेकर जब आने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा सब टूट जाएंगे। और इसी के साथ ही साथ तान्या की भी एंट्री होगी, तान्या की एंट्री बहुत धमाकेदार होने वाली है जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं से ऐसी भी चीज़ें सामने आएंगी कि धीरे धीरे पता चलेगा कि ये तान्या नहीं बल्कि तेजो ही है। अब आपको कुछ हिंट्स भी दे देते हैं कि कैसे ये तेजो है। तो आप सबने देखा ही कि जब अंगद का ट्रैक खत्म होने वाला था, यानी कि अंगद जब बहुत सारे प्लान्स कर रहा था, यानी कि जब उसने तेजो को मारने की कोशिश की थी लंदन में, तो उस वक्त भी जब गले लगी थी फतेह के तेजो, तो उस वक्त वो जो रोना था वो ऑब्वियसली तान्या गिल का नहीं था बल्कि तेजो का था। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रोती नज़र आ रही है और उसके आंसू भी साफ बयां कर रहे हैं कि ये तेजो ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो रो रही है अपने फतेह को लेकर उस तरीके से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कहीं से भी तान्या होगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो तान्या यानी कि जो तेजो है उसने जब देखा कि फतेह अब अकेला पड़ गया है और जैस्मिन भी अकेली पड़ गई है, तो हो सकता है कि तेजो ने ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो और वो हमेशा हमेशा के लिए तान्या गिल बनकर रह गई हो। फिलहाल ये सब तो प्रेडिक्शंस हैं, आने वाले ट्रैक में क्या होने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप सब कितने एक्साइटेड हैं उड़ारिया के अपकमिंग ट्रैक को लेकर आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।